हेलो फ्रेंड्स सो आज की इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ फाइन आर्ट्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज स्क्र्स ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट स्टार्ट सो सबसे पहले स्कल्पचर्स होते क्या हैं स्कल्पचर्स कोई भी थ्री डायमेंशनल आर्ट फॉर्म होता है जो कि स्टोन मेटल वुड वेक्स क्ले से बना होता है या किसी और मटेरियल से उन्हें हम स्कल्पचर्स कहते हैं मतलब ये थ्री डायमेंशनल आर्ट फॉर्म होता है आर्टिस्ट और स्कल्पचर्स इन्हें बनाते हैं सो so, हमारे सिलेबस में यहाँ पे चार स्कल्पचर्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है सबसे पहला अपना है ट्रम्प ऑफ लेबर इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो है विक्ट्री ऑफ लेबर सो अगर हमारे एग्ज़ाम में ये आता है तो सबसे पहले हमें ये बॉक्स बनाना है जिसमें हमें नेम मतलब ट्रम्फ ऑफ लेबो पेंटर का नाम देवी प्रसाद रॉय चौधरी और देवी प्रसाद रॉय चौधरी की एक बात है कि इन्होंने जो बेसिक पेंटिंग सीखी थी वो अविंदनाथ टैगोर से ही सीखी थी और इन्हें ह्यूमन जो माइथोलॉजी थीम्स थे वो काफ़ी अन इंटरेस्टिंग लगे थे इसलिए इन्होंने जो पेंटिंग है वो मैन वुमेन और लेबर्स जो काम में इंगेज है इन इनसे इंस्पायर होकर इनकी पेंटिंग और स्कल्पचर्स इन्होंने बनाई थी और फिर मीडियम ब्रोंच और सीमेंट सिरका 1954 फिफ्टी फोर ए डी पीरियड कॉन्टम्प्ररी कलेक्शन नेशनल म्यूजियम नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली बेसिकली सबका कलेक्शन यहाँ पे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ही है सिर्फ यहाँ पे एक है जो कि शांति निकेतन वेस्ट बंगाल है जो अपना नेक्स्ट है साथल फैमिली बाकी सारे यहाँ पे जो कलेक्शन है वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली है और पीरियड कॉन्टेम्प्रेरी सब में यही है सो so, ये बॉक्स हमें हर अगर कोई भी पेंटिंग या स्कल्पचर आता है तो ये बॉक्स लिखेंगे उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन अब डिस्क्रिप्शन में पहले हम ये बता देंगे कि आइडल वाज मेड ऑफ ब्रोंज और सीमेंट से बना हुआ है देवी प्रसाद रॉय चौधरी ने बनाया है और इस आइडल में फोर ह्यूमन फिगर्स दिखाए गए हैं जो कि एक वुडन स्टाफ से ह्यूज रॉक को आ, हटाने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल भी हैं और जो मसल uh, प्रेशर है फॉलिंग ऑफ मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन जो मूवमेंट है मसल का उसे काफ़ी ब्यूटीफुली इन्होंने दिखाया है पेंटर ने इस स्कल्पचर में आ, और इस पर्पज़ के लिए इन्होंने अपर बॉडी अपर पार्ट जो है बॉडी की वो नेकेड ही रखी है और लोअर लोअर पार्ट पे उन्होंने कवर किया स्मॉल लुंगी से अ पीस ऑफ क्लोथ जो कि उनके वेस्ट मतलब इन चारों फिगर्स के वेस्ट के आ, आ, मतलब लपेटी गई हुई है स्मॉल लुंगी है और इनका हेड भी कवर्ड है विद अ पीस ऑफ क्लोथ और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हैं ये अपने परफॉर्मिंग इन वर्क और दैट्स ऑल इस पेंटिंग में हमें इतना ही है स्कल्पचर में कि फ़ोर ह्यूमन फिगर्स हैं वुडन ब्लॉक से डिफरेंट डिफरेंट एक्शन फिगर्स में हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन में और वुडन ब्लॉक से वो एक ह्यूज रॉक को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे एक्सट्रेक्शन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स काफ़ी ब्यूटिफुली शो किया है इस ने आर्टिस्ट ने और हाफ अपर बॉडी इनकी नेकेड ही है लोअर बॉडी पर धोती पहना हुआ है सर पर भी अ पीस ऑफ क्लोथ इन्होंने लपेटा हुआ है इस पेंटिंग में और कुछ नहीं है फिर अपना नेक्स्ट आता है सांथल फैमिली तो सेम हमें सांथल फैमिली में भी यही लिखना है आ, पेंटर हमें इनके राम किन का बैज है मीडियम सीमेंट और कॉन्क्रीट है सिरका 1938 थर्टी एट ए डी है पीरियड कॉन्टेम्प्ररी कलेक्शन शांति निकेतन वेस्ट बंगाल अब उसके बाद ये आ, अपना जो है टेबल लिखने के बाद हमें डिस्क्रिप्शन में बताना है कि जो है स्कल्पचर सीमेंट और कॉन्क्रीट का बना हुआ है 1938 में और ये अस्टैब्लिश है शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में यहाँ पे फोर पर्सन दिखाए गए हैं एक मैन जो लिफ्ट कर रहा है भांगी ऑन हिज शोल्डर मेड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग लोड्स लोड्स को उठाने के लिए ये भांगी बना गया होता है और यहाँ पे उसने कुछ सामान अपने वाइफ के हेड पे रखा है जो उसके साथ ही चल रही है मूव कर रही होती है और साथ में ही एक डॉग को भी दिखाया गया है और यहाँ पे एक बेबी भी ये लिए हुए हैं इस स्कल्पचर भी कोई स्टाइलिश या कोई स्पेशलिटी नहीं है इस स्कल्पचर को बेसिकली वो सारे बेसिक मटेरियल या जो अवेलेबल मटेरियल हैं उनसे ही बनाया गया है तो इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है बस ये ह्यूमन यूजुअल एक्टिविटीज़ जो सांथल फैमिली से स्पाइश हो इंस्पायर्ड होके यूजुअल एक्टिविटीज़ जो हैं वो दिखाया गया है इस आइडल में नाउ मूविंग फर्दर अपना नेक्स्ट है क्राइस अनहर्ड क्राइस अनहर्ड के पेंटर हैं अमरनाथ सहगल मीडियम इसका ब्रोंज है सिरका नाइनटीन फिफ्टी है पीरियड कॉन्टेम्प्रेरी एंड कलेक्शन अगेन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली इस फिगर में अमरनाथ सेंगल ने ब्रोंज स्टैचू दिखाया है इसमें बेसिकली पॉवर्टी को दिखाया गया और थ्री ह्यूमन फिगर्स दिखाए गए हैं जिसमें फादर मदर चाइल्ड हैं सेम फैमिली के ही हैं इनके काफ़ी डेंटेड चीक्स हैं डिफॉर्म फेसेस हैं मतलब माल नाट माल न्यूट्रिश टाइप की बॉडी है इनकी पॉवर्टी की वजह से इस फिगर में दिखाया गया और इनके जो हाथ है वो ऊपर एज मतलब गॉड की तरफ रेस किए हुए हैं और वो चिल्ला के गॉड से बोल रहे होते हैं ओ गॉड नो वन इज़ टू टेक केयर अस इवन ऑन दिस अर्थ हेयर इज़ एक्सप्लाइटेशन ट्रेनिंग एंड करप्शन विच दे आर प्रे टू टेक ऑफ मतलब ये एक्सप्लेन करते हैं ये गॉड से ऐसा बोल रहे होते हैं कि हाँ अर्थ पे हर जगह एक्सप्लॉटेशन है करप्शन है जिसके शिकार बनते जा रहे हैं इट इज़ ओनली यू एंड यो सपोर्ट ऑन विच आर एग्जिस्टेंस इज़ अप टू व्हेन इट वुड लास्ट और वो गॉड से आगे ये भी कह रहे होते हैं कि अब सिर्फ आपका और आप और आपका सपोर्ट है जिसकी वजह से हम यहाँ रह रहे हैं और कब तक ऐसा ही चलेगा इस क्लपच्चर का मेन आपको याद रखना चीज याद रखने वाली बात यह है जो कि एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कल्पचर पे गोल्डन स्ट्रिप एज अ रिवार्ड दिया था स्कल्पचर को दैट इज़ अमरनाथ सेंगल को एक गोल्डन स्ट्रिप रिवॉर्ड दिया है और कुछ नहीं है बेसिकली बस हम बॉक्स लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में ये डाल देंगे थ्री फिगर्स है माल ना न्यूट्रिस टाइप के हैं पोवर्टी को दिखाया गया है उनके हाथ ऊपर की तरफ है मतलब ऐसा लग रहा है वो गॉड से कुछ कह रहे हो हेल्प मांग रहे हों ये शिकायत कर रहे हैं अपनी पोवर्टी को लेकर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने गोल्डन स्ट्रिप भी प्रेजेंट किया है एज अ रिवार टू अमरनाथ सहंगल मूविंग फर्दर अपना लास्ट जो स्कल्पचर है वो कि गेशा है जो कि पेंटर जानकी राम ने बनाया है मीडियम ऑक्सीडाइज्ड कॉपर टेन ओ वाई से है सिरका नाइनटीन सेवेंटी टू एटी ए में के बीच में बना है इसमें एक टेक्निक भी आपको याद रखना है इसमें स्पेशल टेक्निक है अपना ईचिंग और एकटेंट एचिंग एंड एक्वेटेंट पीरियड कॉन्टेम्प्रेरी है कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू डेली अब इसके डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखेंगे कि ये जो मीडियम है ऑक्सीडाइज्ड कॉपर टिंक और वायर से बना हुआ है पीवी वी जान गिव अ ब्यूटीफुल शेप ऑफ हेक्स हैंडेड डांसिंग गनीशा एक हेक्स हंड्रेड मतलब सिक्स हैंड्स गणेश शो किया गया है इन्होंने दो हाथ से तो वीना आ, प्ले कर रहे हैं और बाकी चार हाथ से ट्रेडिशनल फॉर्म के व्हील मेस लोटस और कॉन्च पकड़े हुए हैं इन्होंने ये फॉक आर्ट ऑफ साउथ इंडियन से साउथ इंडिया से इंस्पायर होकर बना है और डिफरेंट मतलब एक ट्रेडिशनल आइडल है और इस गणेशा को देखोगे आप तो अपने जो जितने भी ट्रेडिशनल आर्ट है उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है ये मॉडर्निटी है मोबिलिटी इसमें है आर्टवर्क में रिफ्लेक्ट किया गया है हैविंग मैनिफेस्टेड द इमोशन ऑफ मोबिलिटी एंड एक्सेलेंस ऑफ मॉडर्निटी इस आर्ट वर्क में दिखाया गया है इस आर्ट वर्क में भी और कुछ नहीं है और ये सिर्फ यही अपनी चार स्कल्पचर्स थे जो कि हमें पढ़नी है इस पेंटिंग में होप आप सबको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो थैंक यू